सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 100% बोनस टॉप अप इवेंट के बारे में कॉन्फर्मेशन अपडेट देने वाला हूं कि कब तक आपके आईडी पे 100% बोनस टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा। साथ में गाइस, आप लोग को नेक्स्ट हाइपर बुक कौन सा देखने को मिलेगा OB44 अपडेट के बाद और उसका क्या रेवॉर्ड रहने वाला है आज के वीडियो के अंदर, सारे रेवॉर्ड का रिव्यू करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ में गाइस, आप लोग को अपकमिंग कुछ इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में पता चलेगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट रहने वाला है 100% बोनस टॉप अप इवेंट को लेकर कि कब तक आपके आईडी पे देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम पे गाइस, अगर आप लोग गेम को ओपन कर रहे हो तो कुछ लिमिटेड आईडी पे यहाँ पे कुछ इस टाइप का आइकन शो हो रहा होगा, जो है गाइस हमारा 100% बोनस टॉप अप इवेंट का एक आइकन। और ये जो आइकन है गाइस, बहुत ही लिमिटेड आईडी पे फिलहाल के लिए आया है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे 2-3 तारीख के अंदर सभी आईडी पे देखने के लिए मिलेगा, जो होगा गाइस हमारा 100% बोनस टॉप अप इवेंट। तो आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो गेम पे जाके एक बार चेक कर लेना किसके आईडी पे वाला आइकन आया है। अगर आया है तो भाई आप लोग के 100% बोनस टॉप इवेंट मिल जाएगा और सभी लोगों के लिए गाइस ये वाला टॉप इवेंट अवेलेबल हो जाएगा 2 से लेकर 8 अप्रैल के बीच। तो किसी भी एक दिन आ सकता है, आप लोग इजीली इस इवेंट को कंप्लीट करके इजीली यहाँ पे डायमंड क्लेम कर पाओगे। 1000 टॉप अप कर रहे तो 1000 डायमंड बोनस पे मिल जाएगा। और ये जो टॉप इवेंट है गाइस, रमजान स्पेशल आने वाले एक एक करके सारे आईडी पे आ जाएगा, नहीं तो सभी लोगों के लिए एक ही दिन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बाय द वे गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग के आईडी पे चीज आया है, अगर आया है तो जरूर बताना। और अभी गाइस मैं आप लोग एक ऐसा अपडेट देने वाला हूँ जो OB44 अपडेट गेम प्ले के रिगार्डिंग है। तो गाइस अभी रिसेंट टाइम मतलब OB43 अपडेट तक अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी गाड़ी लेके रिवाइवल पोर्टल पे बैठते हो या गाड़ी पे बैठ के यहाँ पे रिवाइव करने के लिए कोशिश करते हो तो यहाँ पे जो रिवाइव है वो होता नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे OB44 अपडेट के बाद एक नया सा चेंजेस आने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग गाड़ी पे बैठ के या गाड़ी चलाते हुए भी यहाँ पे रिवाइव पोर्टल पे जाओगे तो रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। तो जी हाँ भाई, गाड़ी पे बैठे बैठे आप लोग यहाँ पे रिवाइव पोर्टल पे बैठ के आप लोग रिवाइव कर सकते हो। तो जो लोग गाड़ी कैरेक्टर लेके गेम प्ले करते हो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे खासा बेनिफिट आने वाले OB44 अपडेट के बाद। और ऐसे भी गाइस अभी के टाइम यहाँ पे गाड़ी प्लेयर लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं गेम खेलते टाइम, अभी तो भी अपडेट के बाद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। आप लोग परेशान होते हो कि नहीं गाड़ी प्लेयर से कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात है गाइस, हर किसी के स्क्वाड पे एक प्रो हैवी ड्राइवर तो रहता ही है, हमारे स्क्वाड में भी एक प्रो हैवी ड्राइवर देख पा रहे हो, जो देख पा रहे भाई गाड़ी कहाँ पे लगा दिया भाई, इसको चलाने का लाइसेंस किसने दिया पता नहीं भाई, देखो कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर भाई। तो गाइस क्या आपके स्क्वाड पे भी ऐसे हैवी ड्राइवर रहता है भाई, जरूर रहेगा होगा, तो उसका नाम वीडियो के कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो बहुत ही खतरनाक अपडेट होने वाला है। ये अपडेट होने वाले गाइस हमारा अपकमिंग आने वाले न्यू हाइपर बुक को लेकर। तो अभी के टाइम हमारे गेम के अंदर टोटल 6 हाइपर बुक है, जिसमें से एक हाइपर बुक तो फ्री में दिया गया था। और OB44 अपडेट के बाद जो नया सा हाइपर बुक आने वाला है वो देखने में कुछ स्टेप का होने वाला है, जिसका नाम होगा द पैराडॉक्स हाइपर बुक। जी हां गाइस, अपडेट के बाद एक नया सा हाइपर बुक आने वाला है जो देखने में कुछ स्टेप का ही होने वाला है। अभी इसमें कौन कौन सा रिवॉर्ड रहेगा चलिए मैं आप लोग को उनका भी रिव्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग को इस हाइपर बुक के अंदर एक लेजेंडरी गन स्किन मिलेगा, जो होगा गाइस एक AK-47 का स्किन, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, बहुत ही कमाल का है। और इस हाइपर बुक के एट्रीब्यूट में रहने वाले रेट ऑफ फायर डबल प्लस, आर्मर पेनिट्रेशन सिंगल प्लस और रिलोड स्पीड माइनस रहने वाला है, मतलब इसका एट्रीब्यूट बहुत ही खतरनाक रखा गया है। और गाइस इसका आर्मर पेनिट्रेशन प्लस होने की वजह से किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसका वेस्ट 2 सेकंड के अंदर ही टूट जाएगा, साथ में रेट ऑफ फायर तो खतरनाक है। और इस हाइपर बुक के अंदर आप लोग एक पारंग का स्किन मिलेगा, जो पारंग का स्किन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप के नॉर्मल लुक के साथ इसको डिजाइन किया गया, थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब चलता है भाई। और ये वाला पारंग का स्किन गाइस आप लोग इस हाइपर बुक के 2 नहीं तो 3 नंबर स्लॉट पे मिल जाएगा, आप लोग को टोकन से अनलॉक करना होगा। और इस हाइपर बुक में आप लोग एक ग्रेनेड स्किन मिलेगा, जो हाइपर बुक पे पहले स्लॉट में ही रहेगा, एंड आप लोग को हाइपर बुक अनलॉक कर दिए फ्री में मिल जाएगा, जिसका एनिमेशन में कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इस हाइपर बुक के अंदर गाइस आप लोग एक ग्लोवल का स्किन मिलेगा, जो देखने में बहुत ही जबरदस्त है, एंड इसमें गाइस आप लोग को इलेक्ट्रिक एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो भाई बहुत ही कमाल का बनाया गया है। और इसके बाद भाई आप लोगों के यहाँ पे एक बैकपैक का भी स्किन मिलेगा, जो देखने में कुछ इस टाइप का है। तो पैराडॉक्स थीम पे गाइस आप लोगों को नया सा बैकपैक मिलेगा, जो देखने में कुछ इस टाइप का होने वाला है। और गाइस लेवल 3 पे आप लोगों के बैकपैक देखने में कुछ इस टाइप का मिलेगा, लेवल 2 पे थोड़ा सा एनिमेशन नहीं रहेगा, एंड बाकी आप लोग ये वाला बैकपैक देख पा रहे हो कुछ इस टाइप के होने वाला है। और यहाँ पे देख पा रहे हो इस हाइपर बुक का इमोट, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे इसके जो पंखों की कलर है वो गोल्डन से यहाँ पे पर्पल हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो जब भी इमोट यूज हो रहा है तो नीचे से हाइपर बुक ऊपर आ जा रहा है, तो आप लोग को ये हाइपर बुक भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिव्यू कुछ इस टाइप का ही होने वाला है। तो कुल मिला के गाइस सारे रिवॉर्ड रहने वाले अपकमिंग OB44 अपडेट में आने वाले हाइपर बुक के अंदर। और रुको रुको रुको, हाइपर बुक का रिवॉर्ड यहीं पे खत्म नहीं होता है, और भी 2 रिवॉर्ड इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो साइथिया स्केट के स्किन देख पा रहे हो गाइस, पॉसिबल की अपकमिंग जो हाइपर बुक आने वाले उसमें भी ये रिवॉर्ड को रखा जाएगा, जो देखने में बहुत ही कमाल का है। और इसका एनिमेशन वगैरह देख पा रहे हो कुछ इस टाइप के ग्लो टाइप का आने वाला है, एंड बहुत ही हैवी टाइप का लुक देखने को मिल रहा है। तो अपकमिंग हाइपर बुक के अंदर
गैस आप लोगों की वाला साहित्य इस किट का भी स्किन मिलने वाला है। और गैस अभी तक जितने सारे हाइपर बुक आए हैं सभी हाइपर बुक पे एक लास्ट रिवॉर्ड मिलता है जो स्पिन करने के बाद भी मिलता है। तो इस बार जो न्यू हाइपर बुक आएगा उसमें भी एक न्यू रिवॉर्ड रखा जाएगा। तो इस बार के हाइपर बुक के अंदर लास्ट जो आइटम रहने वाला है वो देखने में कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो जी हाँ गैस बेसिकली स्काई विंग जो देखने में कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो ये जो नया स्काई विंग आने वाले गैस अभी फिलहाल इसका 3D रिव्यू मिला है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो आने वाले हाइपर बुक के अंदर गैस ये वाला स्काई विंग आप लोग को मिल जाएगा। कुल मिला के यही सब रिवॉर्ड रहने वाले नेक्स्ट हाइपर बुक के अंदर। अभी आप लोग कॉमेंट करके बताना नेक्स्ट हाइपर बुक आप लोग लेंगे की नहीं लेंगे। और एक बात है गैस ये वाला हाइपर बुक आप लोग को टॉपअप इवेंट पे मिलेगा, साथ में गैस आप लोग यहाँ पे रिंग इवेंट से स्पिन करके भी निकाल पाओगे। और इवेंट की डेट की बात करो तो आने वाले मई नहीं तो जून महीने को गैस ये वाला हाइपर बुक का टॉपअप इवेंट आने वाला है। तो तैयार रहना गैस 100 डायमंड में इसको लेने के लिए। और अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ जो होगा एक न्यू कटाना की स्किन को लेकर। तो इस बार गैस OB44 अपडेट के बाद एक न्यू कटाना का स्किन आएगा जिसका डुओ प्रिविलेज रहने वाला है, मतलब दो कलर रहेगा। दोनों कलर पे बहुत ही अजीबोगरीब एनिमेशन रहने वाला है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके पहले जैसे इन्फर्नो शॉक कटाना का जो स्किन है वो जैसे वेब इवेंट में दिया गया था जिसको निकालने के लिए कम से कम 1000 या 1500 डायमंड लगा था इसको निकालने के लिए। तो पॉसिबल है कि गैस ठीक इसी तरीके का एक वेब इवेंट आएगा जिसमें गैस न्यू कटाना को लॉन्च किया जाएगा एंड फिर से गैस 1000 डायमंड के अंदर आप लोग नया कटाना को निकाल पाओगे। और अभी गैस मैं आप लोगों को इस कटाना का बाकी के प्रिविलेज वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। इसका डुओ फॉर्म रहने वाला है, एक तो गोल्डन कलर का होगा दूसरा होगा पर्पल कलर का। जब भी आप लोग यूज करोगे ये हर टाइम अपना कलर चेंज करता रहेगा। और इसी के साथ में इस कटाना पे आप लोग को एलिमिनेशन इफेक्ट, हीट इफेक्ट, अटैक इफेक्ट और साउंड वगैरह मिलेगा कुछ स्पेशल टाइप का। अभी चलो मैं आप लोग को बाकी का डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। और गैस जब भी आप लोग गोल्डन कलर को इक्विप करके किसी को अटैक करोगे तो उसका हीट इफेक्ट कुछ इस टाइप का आएगा और एलिमिनेशन इफेक्ट भी कुछ इस टाइप का आने वाला है एंड अटैक कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम पुराना कटाना के जैसा ही है। तो ये तो क्या गैस हमारा गोल्डन कलर का इफेक्ट वगैरह एंड अभी यहाँ पे पर्पल कलर के आप लोग देख पा रहे हो सेम टू सेम सब कुछ रहने वाला है। बस यहाँ पे कलर को ही चेंज किया गया है। हीट इफेक्ट एंड एलिमिनेशन इफेक्ट भी देख पा रहे हो बहुत ही कमाल का बनाया गया है। और इस इवेंट की डेट की बात करें तो भाई दा पैराडॉक्स इवेंट जब स्टार्ट होगा उसी टाइम को ये कटाना का स्किन आने वाला है। मई नहीं तो जून महीने को गैस इसके स्पेशल वेब इवेंट आ जाएगा। बाकी गैस आप लोग इस कटाना को निकालोगे कि नहीं निकालोगे कमेंट करके जरूर बताना। 1000 डायमंड के अंदर गैस इजीली निकल जाएगा। तो अभी तक गैस मैंने आप लोग को बहुत सारे कॉन्फर्मेशन इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में बता दिया। अभी गैस मैं आप लोग को आने वाले कुछ पेंडिंग या अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर तीनों सर्वर के लिए आ सकता है। तो ये चीज क्या है आप लोग को क्या याद है? तो जी हाँ भाई, ये पिंक डायमंड स्टोरेज बहुत साल पहले इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर सर्वर पे आया था लेकिन अभी के टाइम बाहर के बहुत सारे सर्वर इसको धीरे धीरे करके रिटर्न किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है। सो गाइस रमजान इवेंट स्पेशल यहाँ पे बाहर के मैक्सिमम बहुत सारे सर्वर पिंक डायमंड स्टोर को रिटर्न किया गया है जहाँ पे बहुत ही यूनिक रिवॉर्ड को रखा गया है। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो इन सारे आइटम को लेने के लिए मेन डायमंड और यहाँ पे पिंक डायमंड दोनों को मिलाकर ही परचेस करने का ऑप्शन दिया गया है। तो एज पर लीक गाइस इतना ही बता सकते कि आने वाले इस बार रमजान इवेंट के अंदर गाइस आप लोगों के पिंक डायमंड स्टोर इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर सर्वर के लिए देखने को मिल सकते हैं। अभी ये 60% कन्फर्म हुआ है, बाकी 40% अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, इसलिए गाइस आप लोगों को मैं कन्फर्म करके नहीं बता पा रहा हूँ इसका डेट। तो आने वाले टाइम पे अगर आएगा तो इसका बैनर भी निकल के आ जाएगा, फिर गाइस मैं आप लोग इसका डेट कन्फर्म करके बता दूंगा। इसलिए गाइस मैंने इस इवेंट को पेंडिंग इवेंट मतलब अपकमिंग टाइम पे आने वाला इवेंट बताया। तो आप लोग की वाला पिंक डायमंड स्टोर कैसा लगता था और कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो भी बहुत ही ओपी लगता था क्योंकि सस्ते में बहुत कुछ मिल जाता था, लेकिन अभी के टाइम इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर सब कहां पे इतना सस्ता इवेंट आता है? अभी तो भाई बस लूटने के लिए आता है। और अभी बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो होगा टूनेट अपडेट को लेकर। तो कैसे यहाँ पे आज रात 12 बजे के बाद इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर मतलब सभी सर्वर के लिए यहाँ पे एक नया सा वीआईपी पास आने वाला है जिसका नाम है लास्टर नाइटफॉल। तो बहुत ही अजीब सा नाम है। तो इस बार का भाई बंडल वगैरह कुछ इस टाइप का ही होने वाले, बहुत ही अजीब नमूना टाइप का। बट भाई हम लोग को डिस्काउंट चाहिए इसी वजह से भाई इसको भी परचेस करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने पिछले बार का वीआईपी पास खरीदे थे उन लोगों को इस बार का वीआईपी पास 320 डायमंड में परचेस करने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग परचेस जरूर कर लेना। और इस बार के वीआईपी पास के अंदर बहुत ही अच्छे खासे कुछ रिवॉर्ड रखा जाएगा, बाकी कुछ कचरा रिवॉर्ड भी रहने वाला है। एंड वीआईपी पास लेंगे तो फिर भाई आप लोग को एनिमेशन कुछ इस टाइप का ही देखने को मिलेगा। और गाइस अभी आप लोग कमेंट करके बताना अभी तक जितने सारे वीआईपी पास आए हैं उनमें से गाइस आप लोग कितने सारे वीआईपी पास को परचेस किए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और इस बार के वीआईपी पास का 100 लेवल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग को बोनस जरूर मिल जाएगा। तो आज रात 12 बजे के बाद नया सा वीआईपी पास आने वाला है। तो 12 बजे के बाद वीआईपी पास तो आ जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे 12 बजे और एक रिंग इवेंट भी आने वाला है जो होने वाला है भाई वीआईपी पास स्पेशल रिंग इवेंट। कुछ इस टाइप के रिंग इवेंट गाइस आप लोग को आज रात 12 बजे के बाद इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर सर्वर के लिए देखने को मिलेगा जहाँ पे ये सब लोग स्पिन करेंगे तो आप लोग को प्रीमियम प्लस नहीं तो नॉर्मल कार्ड परचेस करने का भी मौका मिलेगा। और सच बताऊं तो भाई अभी डिस्काउंट के हिसाब से ये वाला वीआईपी पास रिंग इवेंट टोटली वेस्ट है। तो आप लोग यहाँ पे स्पिन मत करना, डायरेक्टली 320 डायमंड में वीआईपी पास परचेस कर लेना। तो गाइस आज रात 12 बजे के बाद वीआईपी पास के रिगार्डिंग यही सब अपडेट आने वाला है, तो तैयार रहना इनको कम्प्लीट करने के लिए। और गाइस कल 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फुल डे, और कौन किसको अप्रैल
फुल बना होके कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात है भाई, खुद अप्रैल फुल मत बन जाना, नहीं तो भाई आप लोगों का पोपट बन जाएगा। एंड यही तक ऐसे हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, अगर आप लोग गेम पे थोड़ा सस्ते में वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो तो गाइस आप लोग एसटी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो। ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है। कमेंट बॉक्स और प्ले स्टोर में आप लोग को इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और एक बात है गाइस, अभी आप लोग कमेंट करोगे कि एसटी गेम शॉप पे थोड़ा प्राइस ज्यादा बढ़ गया है पहले से, तो देखो भाई कुछ ही दिनों के अंदर इसका प्राइस भी कम कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग वेट कर सकते हो। लेकिन गेम के प्राइस से कम प्राइस में अगर आप लोग वीकली मंथली एक साथ परचेस करना चाहते हो तो एसटी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो, तो यहाँ से एक बार जरूर परचेस कर लेना। तो कुल मिलाकर ऐसे ही हमारा आज का अपडेट। एंड देखते देखते वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, एंड वीडियो को लंबा ना करके खत्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।